वो योगी के पाले में आए तो योगी सीएम बन गए, मायावती के पाले में गए तो चार बार मायावती मुख्यमंत्री बन गई। यूपी में उसका लक ऐसा था कि वो जिधर जाता था उसी पार्टी की गुडलक हो जाती थी। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के साथ कूद पड़े तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की नजरों में खटकने लगे। नाम से राम, कर्म से वीर, जिसे पूरा यूपी प्यार से कहता था रामवीर, अब वो हमें छोड़कर चले गए, चले गए इस दुनिया से उस दुनिया में जहाँ जाकर वो सुकून से रह पाएंगे। कहते हैं पार्टी किसी नेता की किस्मत बदल देती है, ये इकलौते ऐसे नेता थे जो पार्टियों में जाकर उनकी किस्मत बदल देते थे। 5 मिनट में रामवीर उपाध्याय की ऐसी कहानी जिसकी सल्तनत में दुरुस्त थी बिजली, सड़क और पानी। रामवीर उपाध्याय ने अपने जीवन में क्या कमाया उसे बताने के लिए बस एक ये लाइन ही काफी है, जिनकी तूती आगरा से लेकर मथुरा तक बोलती है। लोग पूछते हैं कौन है रामवीर उपाध्याय, तो कहिएगा जो हारी हुई बाजी भी जीत ले वो है रामवीर उपाध्याय। कोई एक बार विधायक बन जाए तो ढोल पीटने लगता है। रामवीर उपाध्याय 5 बार हाथरस की अलग अलग विधानसभा सीटों से विधायक रहे। 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 में लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। बसपा सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। हालांकि पार्टियां बदलते गए, ठिकाना बदलते गए, लेकिन जिस भी पार्टी में गए उसके लिए गुड लक लेकर आए। रामवीर उपाध्याय क्या चीज थे आप तभी समझ पाएंगे जब हमारी पूरी रिपोर्ट देखेंगे। बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को राजनीति में डायरेक्ट एंट्री का रास्ता दिया। तब राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था तो रामवीर उपाध्याय इसमें भी कूद पड़े। फिर मायावती के करीब पहुंच गए, यानी बीजेपी छोड़ दी और बसपा का दामन थाम लिया। 25 सालों तक लगातार बीएसपी में रहे और वहां जीतते रहे। मायावती की पार्टी में देखते देखते नंबर 3 की पोजीशन तक पहुंच गए। 25 सालों में बीएसपी में उनका कद सतीश चंद्र मिश्रा के बराबर पहुंच गया। बसपा में रामवीर उपाध्याय कद्दावर नेता थे और कई बार मंत्री भी रहे। 1 अगस्त 1957 को हाथरस के बामोली गांव में रामचरण उपाध्याय के घर जन्मे रामवीर हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर जाते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन और एलएलबी तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद गाजियाबाद में वकालत करने आ गए। 1990 के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए। रामवीर उपाध्याय ने साल 1993 में हाथरस सदर सीट से बीजेपी के टिकट से दावेदारी ठोकी, नहीं मिली तो पार्टी छोड़ दी। लेकिन बीएसपी में रहकर वो सियासत के बाजीगर बन गए। एक ऐसा नेता जिसे अखिलेश लहर या राम मंदिर लहर, बीजेपी लहर, कोई हरा नहीं पाया। कहते हैं शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और रामवीर उपाध्याय को देखकर ऐसा ही लगता है। वो जहाँ कहीं खड़े हो जाते हैं उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तभी तो पिछले 25 सालों में लगातार विधायक का चुनाव जीते रहे। सिकंदर भी पोरस के दर पर आकर हार गया था, फिर भी वो महान सिकंदर बन गया था। ठीक उसी तरह रामवीर उपाध्याय की जीत का अश्वमेघ रुक गया। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बीमार रहने लगे। 60 साल के बाद भी वो एक नौजवान की तरह राजनीति में एक्टिव रहना चाहते थे, लेकिन शरीर की जटिलताओं से जूझते जूझते उन्हें मौत पर तरस आ गया। और चुनाव जब हारे तो प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि बीमार रहने लगे। उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें नॉमिनेशन भी ऑनलाइन ही करना पड़ा। बीमारी की वजह से रामवीर उपाध्याय अपने क्षेत्र में चुनावी रैली और प्रचार प्रसार तक नहीं कर पाए। बावजूद इसके उनके नाम पर लोगों ने दिल खोल कर वोट किया और एक पल तो ऐसा लगा जैसा उनके विरोधी हार का मुंह देखने वाले हैं। लेकिन हुआ वही जो किस्मत को मंजूर था। करीब 6000 वोटों से रामवीर उपाध्याय चुनाव हार गए। बहुत अफसोस हुआ उन्हें, क्योंकि अगर वो खुद चुनाव में प्रचार करने उतरते तो तस्वीर कुछ और होती। रामवीर उपाध्याय हार कर भी बीजेपी के लिए लकी साबित हुए। उनके दबदबे की वजह से मथुरा की 5 सीट बीजेपी जीत गई। आगरा की सारी सीटें बीजेपी के नाम रही। पिछली बार जिन सीटों को बीजेपी मुश्किल से जीती थी, इस बार वहां जीत का अंतर 40,000 से ऊपर रहा। भले ही रामवीर उपाध्याय के खिलाफ आरएलडी प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया, लेकिन वो जीत रामवीर उपाध्याय के हार से फीकी दिखी। बीमार होने के बावजूद उन्होंने इस चुनाव में अपने राजनीतिक जीवन के सर्वाधिक 98,437 वोट हासिल किए। रामवीर उपाध्याय के लिए यूं ही नहीं कहा जाता, वो शेर हैं और शेर को कोई आसानी से पटखनी नहीं दे सकता। मतलब साफ है, बीमारी के बाद भी प्रदीप चौधरी पर रामवीर उपाध्याय ही भारी पड़े। रामवीर की हार के पीछे उनके अपनों का धोखा भी जिम्मेदार रहा। जिनके लिए रामवीर उपाध्याय ने दिन देखा ना रात, वो उनके बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ गए। लेकिन बेटे चिराग और बेटी नीति ने इस कमी को पूरा किया। रामवीर उपाध्याय जैसे नेता विरले ही होते हैं जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जीत चुनाव से पहले ही पक्की कर देते हैं। इसीलिए रामवीर उपाध्याय पर अमित शाह की टीम को भरोसा रहा और योगी आदित्यनाथ की टीम को भी। रामवीर उपाध्याय का जाना यूपी की राजनीति में शून्य का एहसास कराता है। 65 साल में अलविदा कह गए रामवीर। यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का बीते दिन आगरा के रेनाबू अस्पताल में निधन हो गया।
वो 65 साल में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निजी सचिव रानू पंडित ने इस खबर की पुष्टि की कि वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। अगर आप भी रामवीर उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।